हेलो गाइज, बैक टू माय चैनल पतराम बीकानेरिया। तो माफ़ी चाहूँगा कि पीछे का वीडियो मैं बढ़ा नहीं पाया, क्योंकि फ़ोन डेड होने की वजह से पीछे का वीडियो मैं आते टाइम का वीडियो नहीं बनाया। फिर मैंने थोड़ा सा फ़ोन चार्ज किया, चार्ज करने के बाद में मैं पुष्कर आते ही सबसे पहले मैं गया सावित्री मंदिर, जो पुष्कर से बस स्टैंड से थोड़ा सा दूर पड़ता है। और यहाँ आप सीढ़ियों द्वारा भी जा सकते हो और यहाँ आप लिफ्ट से भी जा सकते हो। लिफ्ट का किराया लगता है 165 रुपये और आने का जाने का दोनों का है। तो यहाँ मेरे को कुछ दोस्त मिल गए थे, एक हमारे आशीष भाई मिल गए थे, तो ये थे कोटा से। मिलने के बाद हमने तीनों टिकट साथ में कटवाई और चल पड़े। ये जैसे कि आप ऊपर का नज़ारा देख ही सकते हैं, यहाँ से पूरा पुष्कर धाम दिख रहा है, पुष्कर है, पूरी नगरी दिख रही है आपको। यहाँ ऊपर लिफ्ट में थे तो यहाँ से तो पूरा दिखाएंगे हम आपको। और अभी जा रहे हैं हम सावित्री टेम्पल, जो पुष्कर की सबसे ऊंची पहाड़ी पे है, पहाड़ी पे पड़ता है। यहाँ बताया जाता है कि 720 से 30 सीढ़ियाँ हैं, ये चढ़ के जाना पड़ता है। अगर आप सीढ़ियों से नहीं जाते हो तो आप लिफ्ट के द्वारा जा सकते हो। उसका चार्ज है 165 रुपये, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, एक कैंडिडेट का पड़ता है 165 रुपया। यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ आप वीडियो फ़ोटो मतलब इतनी शानदार तरीके से खींच सकते हो, इतनी शानदार तरीके से आप वीडियो ले सकते हो। पूरे पुष्कर की आएगी, पूरी पेड़ सीढ़ियाँ दिखा सकते हो आप। यहाँ से आने में भी मज़ा आएगा, जाने में भी मज़ा आएगा, शानदार चीज़ है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको पुष्कर धाम दिखाते हैं पूरा। ये भाई साहब हमारे इधर उधर देख रहे थे, इसको गिर जाए, फोन ना गिर जाए, यही डर था हमें भी कि मोबाइल गिर ना जाए। ये वीडियो पूरा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ज़्यादा तेज भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है, इतना शानदार नज़ारा आ रहा है, मत पूछो यार, मेरा तो यहाँ मन लग गया। पहले मैं 2-3 दिन पहले गया था खाटू श्याम, उसके बाद में मैं यहाँ पुष्कर धाम आया। वैसे मैं अजमेर कुछ काम से आया हुआ था, तो ये हमारे आशीष भाई इधर उधर पोज दे रहे हैं, उनके साथ नई नई दोस्ती हुई थी। और ये हमारे हरियाणा से ताऊ और ताई थे, ये हमारे साथ है, ये दोनों ताऊ। यहाँ मैंने सेल्फी ली, सेल्फी लेके हम आगे चल पड़े। ये देखो कितनी शानदार, अभी मंदिर के पास आ गए हैं हम, कितनी शानदार जगह दिखाई दे रही है, मेरे को मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गया, मैं जन्नत सी मिल गई मेरे को। ऐसे मतलब दूर से ऐसे लग रहा था कि आसमान टच में है, पास आके देखा तो आसमान और ऊंचा हो गया मेरे, तो मेरा पोपट हो गया। इतनी शानदार है, इतना शानदार आ रहा है नज़ारा। अभी हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ये जैसे लिफ्ट आ रही है तो उधर सामने से लिफ्ट आ रही है, ये लिफ्ट का इधर से दिख रहा है। अभी मंदिर के पास आए गए तो अभी करेंगे आगे मंदिर के दर्शन। मंदिर में फ़ोन ले जाना वैसे अलाउ है नहीं, चोरी छुपके कोई वीडियो वगैरह बनाएंगे तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आगे आप फ़ोटो वीडियो आप नहीं खींच सकते हो, ना ही आप ले सकते हो। तो यहाँ अभी ये देखो आप दिख ही रहा है कि मंदिर आ गया पास में। ये मंदिर से बना रहा हूँ मैं वीडियो, ये मंदिर दिख रहा होगा, ये मंदिर के पास से बना रहा हूँ मैं वीडियो, ज़्यादा दूर से नहीं हूँ। देखो मंदिर का क्या शानदार नज़ारा, ये देखो मैंने मतलब थोड़ा दूर जाके बनाया तो अंदर से नहीं लेने दिया वीडियो हमें, तो इसलिए मैंने दूर से बनाया वीडियो, मतलब अंदर से आगे निकल के कौन से इस हिसाब से। ये देखो कितना पुष्कर, ये जो दिख रहा है आपको दिख रहा है ब्रह्मा सरोवर बोलते हैं इसमें, ये तालाब है, इसमें 52 घाट हैं, पूरे पूरे 52 घाट हैं। तो ये भी यहाँ भी मैं जाऊँगा, अभी गया नहीं, यहाँ भी मेरा काम सावित्री मंदिर में भी टाइम बहुत लग गया, तो शायद मैं नाइट को ही जा पाऊँगा यहाँ। हाँ बोलो। राम 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 आई डोंट नो व्हाट यू मीन। राम राम कैसे हो? कैसे हो मतलब हिंदी? मैं मार लूं ऑटो लेके जा सकूंगे। He said he comes with his camel. He has camel, two camel. In the plane of short. ऑटो गाड़ी लेके जा सकूं मैं? He has two camel in his house. बीकानेर आना कभी? बीकानेर आया कभी? Inviting you to बीकानेर आना हमारे। बीकानेर में मेहमान नवाजी अच्छी करेंगे हम आपके। वहां आपको डेजर्ट दिखाएंगे पूरा पूरा, वो रेतीले दौरे,
क्या नाम है ऊंट गाड़ी गाड़ियां ही लिव्स इन बीकानेर डिस्ट्रेंज इन टेरिस टू हैव कैमल्स देयर दे मेरा नंबर ले लो फ्रांस जाके कॉल करया मन ही सेड टेक माय नंबर एंड कॉल मी फ्रॉम फ्रांस If one day you are passing through the airport in Paris, मेरे को ना अंग्रेजी इतनी आती नहीं है. He can translate if you want. If one day he comes to Paris, I work in the airport in Paris. You work in Paris. I welcome all people from all over the world at the tourist information desk. So what do you work? Airport में काम करते हैं. My work is to welcome people in Paris at the information desk. So when he go out of the plane, he arrives in the plane. Advisor का काम करते हो? He meets me. You are an advisor. एरोप्लेन उधर है एयरपोर्ट पे इंडिया पोर्ट इन इंडिया पोर्ट अच्छा टूरिस्ट ऑफिस तो मन तो थे फ्री में ले जाओगा ही सेड यू विल टेक हिम फ्रॉम फॉर फ्री यार ऐसा मत करो स्पेशली फॉर द कैमल आप मेरे दोस्त बन गए हो तो कैमल फ्री में घुमाएंगे आप तो दोस्त बन गए यार तुम्हारा नाम क्या है नेम ये व्हाट्स योर नेम माय नेम लुइस लुइस भाई यार ऐसे मत करो अब तो आप मेरे दोस्त बन गए यार ऐसे मत करो मेरे को लेना पड़ेगा आपको नहीं यार लुइस भाई नहीं यार इफ यू डोंट टेक सो मच प्लेस इन द लगेज ओके ज्यादा लगेज नहीं लेके जाओगे तो लेके जाओ तो ठीक है हां नहीं लगेज नहीं लेके जाएंगे हम तो बैग आपका बैग का है यार बैग का यार ओनली बैग नहीं नहीं बैग लेके जाऊंगा फिर तो आप ले जाओगे तो मैं ओनली अकेले चलूंगा फिर थ्री टिकट्स बताओ ले जाओगा नहीं मतलब tell him you want to take him or not मच्छस्मा में कैसे लग रहा है we are leaving today मच्छस्मा में कैसे लग रहा है how is he looking in goggles how he's looking in goggles looking fine yeah फोटो दिख रहा है no great sun in Paris yeah it will be good yeah फोटो दिखवा नहीं he said he looks good ना yeah क्या बात है लुइस भाई यार मजा दे दिया शॉर्ट वीडियो होना यार खड़ा वीडियो